देखिए गॉडसन वापस आ गए अपने फर्स्ट पेज पे, वो काफी खुश होंगे, बट केबिनी स्पोर्ट्स तारीफ करनी पड़ती है इस टीम की, क्योंकि लीग स्टेजेस के दौरान ऐसा एक परफॉर्मेंस, आप बोलिए प्लेसमेंट पॉइंट्स आई थिंक सबसे हाईएस्ट इन्हीं के भी है, फिनिशेस भी कहीं कम नहीं। यही चीज मैं बोलना चाहता हूं, केमिन और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को स्पेशल शाउट आउट जी इस ग्रुप स्टेजेस के रन के लिए, बिकॉज केमिन जैसा आपने बताया हाईएस्ट प्लेसमेंट पॉइंट्स एवर अचीव्ड इस फॉर्मेट के अंदर, अभी तक किसी टीम ने मैच भी नहीं किया, कोई 200 के आसपास आई थिंक रेवेनेंट है विद 197, उसके बाद एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है। और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इकलौती टीम जिसने 200 फिनिश का आंकड़ा छुआ है। अभी ये है कि इस फर्स्ट एट के अंदर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आईफ्लिक्स, बट इस टीम ने मुझे बहुत इंप्रेस करा है एवरीवन, मतलब इतना फ्लैशी नहीं है बट एक स्ट्रॉन्ग गेम है, इनकी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिकवरी रही है क्रैट, वीक टू जब एंड हुआ था तो टॉप 16 के बाहर नजर आ रहे थे हमें, अब WHB वीक 3 तक दे वर वेरी गुड भाई, बैक टू बैक चिकन डिनर, सबसे ज्यादा चिकन डिनर, पर वीक 4 के अंदर ये कंट्रोल ऑल डिलीट थी ये टीम, ये कहीं भी नहीं दिखी, मतलब जो ज़ेरेफ आपका रेडन हो गया अरमान, इनका परफॉर्मेंस होता है जो इनकी कहते ना प्रेजेंस होती है, मुझे फील नहीं हुई मैप में। अच्छा लेकिन अब आ चुकी है वो घड़ी जिसका हम सबको इंतजार था, कुछ टीम्स को नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट हम फिर भी देखेंगे सेकंड पेज ऑफ रैंकिंग टॉप 16 फिक्सेस, आप ड्रम रोल भी दे दीजिए फिर प्लीज हमें, डम 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 डम, ऑलराइट आ गया, एंड हियर वी हैव इट, टॉप 16 टीम्स ऑल रिवील्ड, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, और एंगटन आज के दिन अच्छी लीप ली है, हाइड्रा दे मेक इट थ्रू, OR Esports आगे बढ़ेगी, टीम फॉरएवर आखिरी गेम के अंदर एक जंप लिया है इन्होंने 16 से सीधा 13, एक सेफ्टी कुशन भी अपने लिए अचीव किया, लेकिन जेनेक्स FM 271 16 स्पॉट पे फियरलेस मराठास, आई एम प्रीटी श्योर इस आखिरी गेम में तो इन्हें भी डर लगा होगा देखते हुए, हाथ जुड़ चुके होंगे बिल्कुल ऊपर।